दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Redmi Note 8 Pro फ़ोन और Samsung Galaxy M30s फ़ोन का बारे में। ये दोनों फ़ोन का फुल स्पेसिफिकेशन डिटेल्स कंपैरिजन करने वाला हूँ इस वीडियो में। ये दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेहतर है और क्या डिफरेंस है ये दोनों फ़ोन का स्पेसिफिकेशन में। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़ हो रहा है ये दोनों फ़ोन को लेकर, ये दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेहतर होने वाला है, तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हो। इस वीडियो देखने के बाद मैं आशा करता हूँ आपका सभी कन्फ्यूज़ दूर हो जाएगा। Redmi Note 8 Pro फ़ोन बहुत ही जल्दी इंडिया में आने वाला है। ये चाइना में लॉन्च हो गया है ऑलरेडी, तो इंडिया में भी बहुत ही जल्दी ये लॉन्च हो जाएगा। और यहाँ पे बात करते हैं Samsung Galaxy M30s, तो ये 18 सितंबर को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। 18 सितंबर से ये अवेलेबल हो जाएगा इंडिया में, आप लोग परचेस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं Redmi Note 8 Pro और Samsung Galaxy M30s फोन का कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स कंपैरिजन। ये दोनों फोन में से कौन सा फोन बेहतर है और क्या डिफरेंस है ये दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन में। तो पहले यहाँ पे डिस्प्ले से शुरू करते हैं। Redmi Note 8 Pro फोन में डिस्प्ले साइज दिया गया है 6.53 इंचेस का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है। और इसमें वाटर ड्रॉप नॉच भी दिया गया है, जैसे डॉट नॉच मिलता है Redmi Note 7 Pro फोन में, इसमें वाटर ड्रॉप नॉच दिया गया, बहुत ही छोटा सा एक नॉच दिया गया है। और उसमें बेजल भी काफ़ी कम दिया गया है, 91.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दिया गया है, इसमें बेजल काफ़ी कम देखने को मिलेगा। और इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। और यहाँ पे बात करें तो गैलेक्सी M30s फोन, तो इसमें डिस्प्ले साइज दिया गया है 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया। इसमें एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है और इसमें भी आप लोग एक प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा डिस्प्ले में। और इसमें भी डॉट नॉच दिया गया है, या फिर यू डिजाइन नॉच बोल सकते हो, इसमें यू डिजाइन एक नॉच दिया गया। और इसमें भी बेजल काफी कम देखने को मिलेगा, जैसे सैमसंग का M सीरीज का पहले का फोन में देख चुके, सेम ऐसा ही होने वाला है यह भी फोन। और ये दोनों फोन का कैमरा का बात करें तो ये दोनों फोन में कैमरा काफी बढ़िया होने वाला है, काफी बढ़िया कैमरा दिया गया। Redmi Note 8 Pro फोन में क्वेट का रियर कैमरा दिया गया, 4 कैमरा देखने को मिल जाएगा बैक साइड में। जो प्राइमरी सेंसर है 64 MP का F1.7 अपर्चर का साथ में दिया गया। और ये सैमसंग का सेंसर यूज़ किया गया, GW1 सेंसर दिया गया इसमें। और ये बहुत ही कमाल का बहुत ही बढ़िया कैमरा है। और यहाँ पे बात करें तो सेकेंडरी कैमरा 8 MP का F2.2 अपर्चर का साथ में अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया। और जो टार्ट कैमरा है 2 MP का डेप्थ सेंसर के लिए दिया गया। और जो फोर्थ कैमरा है 2 MP का माइक्रो लेंस दिया गया। और इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट मिल जाता है। और LED फ्लैश भी दिया गया रियर में। और यहाँ पे बात करें तो Samsung Galaxy M30s फोन, तो इसमें त्रिभुज रियर कैमरा दिया गया है। जो प्राइमरी सेंसर है 48 MP का F1.8 अपर्चर के साथ में दिया गया। लेकिन इसमें एक कन्फ्यूज है, ये कन्फर्म नहीं है इसमें सैमसंग का सेंसर होगा या फिर सोनी का सेंसर दिया जाएगा, ये तो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। और इसमें सेकेंडरी सेंसर दिया गया 8 MP का F2.2 अपर्चर का साथ में अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया। और जो टार्ट कैमरा 5 MP का F2.4 अपर्चर का साथ में डेप्थ सेंसर के लिए दिया गया। और इसमें भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट मिल जाएगा। और LED फ्लैश भी दिया गया रियर में। और यहाँ पे बात करें तो सेल्फी कैमरा, तो ये दोनों फोन में सेल्फी कैमरा भी काफ़ी अच्छा दिया गया। Redmi Note 8 Pro फोन में सेल्फी कैमरा दिया है 20 MP का F2.0 अपर्चर का साथ में सेल्फी कैमरा दिया गया। और जो यहाँ पे बात करें तो Samsung Galaxy M30s, तो इसमें दिया गया है 16 MP का F2.0 अपर्चर का साथ में सेल्फी कैमरा दिया गया है। और ये दोनों फोन में आप लोग सेल्फी कैमरा में LED फ्लैश देखने को नहीं मिलेगा, LED फ्लैश नहीं दिया है, डिस्प्ले फ्लैश मिल जाएगा ये दोनों फोन में। और ये दोनों फोन का परफॉर्मेंस का बात करें तो ये दोनों फोन का परफॉर्मेंस को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। ये दोनों फोन में काफ़ी पावरफुल बढ़िया प्रोसेसर दिया गया है। Redmi Note 8 Pro फोन में प्रोसेसर दिया गया है MediaTek का सबसे पावरफुल प्रोसेसर, MediaTek Helio G90T ऑक्टोकर प्रोसेसर दिया गया। और इसका क्लॉक स्पीड है 2.05 GHz क्लॉक स्पीड पर चलता है। और इसका GPU का बात करें तो माली G76MP4 GPU दिया गया, ये फ्लैगशिप लेवल का GPU फ्लैगशिप फोन में दिया जाता है, काफ़ी पावरफुल ये GPU। और इसका इसमें आप लोग अच्छा खासा बढ़िया गेम भी खेल सकते हो, लिक्विड कूलिंग भी दिया गया है। इसमें गेम खेलते वक्त आपका फ़ोन हीट नहीं होगा। और यहाँ पे बात करें तो Samsung Galaxy M30s, तो इसमें प्रोसेसर दिया गया Samsung का खुद का प्रोसेसर दिया गया, Exynos 9610 प्रोसेसर दिया गया, Exynos 9610 प्रोसेसर दिया गया। ये बहुत ही पावरफुल ये भी प्रोसेसर है। इसका क्लॉक स्पीड का बात करें तो 2.3 GHz क्लॉक स्पीड पर चलता है। और इसका GPU का बात करें तो इसमें GPU दिया गया है माली G72MP3 GPU दिया गया। ये भी GPU काफ़ी पावरफुल है, लेकिन इसमें परफॉर्मेंस में थोड़ा सा बेहतर मिल जाएगा Redmi Note 8 Pro फोन में। यह प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है अगर कंपेयर करें तो Exynos का 9610 प्रोसेसर से। इससे काफ़ी
पावरफुल प्रोसेसर है मीडियाटेक का G90T प्रोसेसर। और ये दोनों प्रोसेसर का प्रोसेस टेक्नोलॉजी का बात करें तो मीडियाटेक का G90T प्रोसेसर 12 नैनोमीटर पर आधारित है, 12 नैनोमीटर पर चलता है। और यहाँ पे बात करें तो एक्जीनोस 9610 प्रोसेसर, तो ये 10 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, ये 10 नैनोमीटर पर चलता है। और ये दोनों फ़ोन में एंड्रॉयड 9.0 पाई दिया गया, दोनों में आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 9.0 पाई देखने को मिल जाएगा। और यूज़र इंटरफेस का बात करें तो Redmi Note 8 Pro फोन में दिया गया है MIUI 10 दिया गया। और यहाँ पे बात करें तो Samsung Galaxy M30s तो इसमें One UI देखने को मिल जाएगा। और ये दोनों फोन का वेरिएंट का बात करें तो ये दोनों फोन अलग अलग वेरिएंट में आता है। Redmi Note 8 Pro फोन 3 वेरिएंट में आता है, 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज और एक आता है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज और एक आता है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में, और इसमें 256GB तक मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल भी कर सकते हो। और यहाँ पे बात करें तो गैलेक्सी M30s फोन तो इसमें दिया गया है 3 वेरिएंट देखने को मिलेगा या फिर 4 वेरिएंट भी देखने को मिल सकता है। 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज और एक देखने को मिलेगा, 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज और एक दिया जाएगा, 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज और एक आ सकता है, 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो ये 4 वेरिएंट में देखने को मिल सकता है, हो सकता है 3 वेरिएंट में भी आ जाए। और यहाँ पे इसमें आप लोग मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल कर सकते हो, 512GB तक मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल कर सकते हो। और ये दोनों फ़ोन का बैटरी का बात करें तो ये दोनों फ़ोन में बैटरी काफ़ी बढ़िया, काफ़ी कमाल का बैटरी दिया गया है। Redmi Note 8 Pro फोन में बैटरी दिया है 4500 mAh का बैटरी दिया गया है। और इसमें क्विक चार्ज 3.0 देखने को मिल जाएगा, 18W का क्विक चार्ज 3.0 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा, फास्ट चार्जर बॉक्स में ही देखने को मिल जाएगा, बॉक्स में दिया जाएगा। और यहाँ पे बात करें तो Galaxy M30s फोन तो इसमें काफ़ी बढ़िया बैटरी दिया गया, 6000 mAh का बैटरी दिया गया। और ये M सीरीज का फ़ोन बैटरी के लिए जाना जाता है, इसमें बैटरी काफ़ी बढ़िया बैटरी दिया गया। और इसमें फास्ट चार्जिंग 15W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा, आउट ऑफ द बॉक्स 15W का चार्जर दिया जाएगा इसमें। और ये दोनों फोन में USB टाइप सी दिया गया, 2.0 USB टाइप सी दिया गया। और ये दोनों फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर का बात करें तो दोनों फोन में रियर में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता ये दोनों फोन में। और ये दोनों फोन में 3.5mm ऑडियो जैक भी दिया गया। ब्लूटूथ वर्जन का बात करें तो 5.0 ब्लूटूथ वर्जन दिया गया है दोनों फोन में। और ये दोनों फोन का डिज़ाइन का बात करें तो ये दोनों फोन में डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन दिया गया, डिज़ाइन को लेकर कहीं भी निराश नहीं हो गए आप लोग। इसमें डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दिया गया दोनों फोन में। Redmi Note 8 Pro फोन में बैक साइड में 3D कार्व डिज़ाइन दिया गया, इसमें 3D कार्व डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। और इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है, बैक साइड में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है, और फ्रंट साइड में भी गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है, डबल गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन आप लोगों को दोनों साइड में देखने को मिल जाता है। और इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दिया गया, काफ़ी प्रीमियम लगता है देखने में। और ये अलग अलग कलर में मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन दिया गया Redmi Note 8 Pro फोन में। और यहाँ पे बात करें तो Samsung Galaxy M30s तो इसमें भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया गया है। सैमसंग का जो पहले का एम सीरीज का फ़ोन है M30 फ़ोन जो इसमें दिया गया है, जैसे डिज़ाइन सेम ऐसे ही डिज़ाइन देखने को मिलेगा M30s फोन में, थोड़ा सा चेंजिंग किया जाएगा, इसमें अलग अलग कलर में देखने को मिलेगा और इसमें ग्लासिक फिनिशिंग देखने को मिलेगा, लेकिन वही बॉडी होने वाला है, पॉलीकार्पल का बॉडी देखने को मिलेगा, प्लास्टिक का बॉडी दिया जाएगा इस फ़ोन में भी M30s फोन में। और यहाँ पे बात करें तो दोस्तों ये दोनों फ़ोन का प्राइस के बारे में, तो दोस्तों ये दोनों फ़ोन का प्राइस कंफर्म नहीं है, और ये दोनों फ़ोन अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, तो इसलिए ये इंडियन प्राइस कंफर्म नहीं है। Redmi Note 8 Pro फोन चाइना में लॉन्च हो गया, तो मैं चाइना का प्राइस कन्वर्ट करके बताऊंगा इंडियन प्राइस में, हो सकता है सेम प्राइस में इंडिया में भी आ जाए। और यहाँ पे बात करें तो Samsung Galaxy M30s तो ये 18 सितंबर को इंडिया में लॉन्च होने वाला है, तो 18 सितंबर को इंडिया में लॉन्च होने के बाद ही इसका कंफर्म प्राइस पता लगेगा। अभी जो एक्सपेक्टेड है ये 16,000 से स्टार्टिंग होगा या फिर 17,000 से स्टार्टिंग हो सकता है, इसका प्राइस भी बहुत ही कमाल का होगा। अगर ये 15,000 से स्टार्टिंग होगा प्राइस, तो ये प्राइस का हिसाब से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कमाल का एक फ़ोन रहेगा। अगर इससे ज़्यादा चला जाएगा प्राइस तो हो सकता है थोड़ा सा ओवर प्राइस हो जाए इस फ़ोन का। तो यहाँ पे आप बात करें तो Redmi Note 8 Pro फोन तो इसका प्राइस मैं चाइना का प्राइस कन्वर्ट करके बताऊंगा, चाइनीज़ में जो प्राइस में लॉन्च हुआ इसी प्राइस को मैं कन्वर्ट करके इंडियन प्राइस में बताऊंगा। जो 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज है ये फ़ोन लॉन्च हुआ है चाइना में 14,000 में, इंडिया में आएगा 13,999 रुपीज़ में। और जो मिड वेरिएंट है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज ये चाइना में लॉन्च हुआ है 16,000 में, इंडिया में आएगा 15,999 रुपीज़ में। और यहाँ पे बात करें तो
हायर वेरिएंट 8 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज यह चाइना में लॉन्च हुआ 18,000 में और इंडिया में आएगा 17,999 रुपीज़। दोस्तों ये कंफर्म प्राइस नहीं है, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो जाए प्राइस या फिर कम प्राइस में भी लेके आ जाए, ये तो लॉन्च होने का बाद ही पता चलेगा। और सैमसंग गैलेक्सी M30s फोन का अगर आप लोग ये वीडियो 18 सेप्टेम्बर के बाद देख रहे हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पर मैं इसका कन्फर्म प्राइस अपडेट कर दूंगा, यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हो जाके डिस्क्रिप्शन में इसका कन्फर्म प्राइस मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ जानकारी, ये दोनों फोन का कुछ स्पेसिफिकेशन, डिटेल्स, कंपैरिजन। आपको दोस्तों ये दोनों फोन में से कौन सा फोन बेहतर लगा, कौन सा फोन अच्छा लगा और कौन सा फोन आप परचेस करना चाहोगे, आप लोग मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताना। तो यहाँ पे मुझे जहाँ तक लगता है Redmi Note 8 Pro फोन कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, इसमें आप लोगों को परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा बेहतर मिल जाता है और इसमें कैमरा भी थोड़ा बेहतर मिल जाता है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन भी दिया गया है, इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है बैक साइड में। तो इसमें ये काफ़ी अच्छा फ़ोन होने वाला है, अगर सेम प्राइस में इंडिया में आएगा तो ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हो सकता है। और यहाँ पे बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M30s, तो इसमें एक ही चीज़ आप लोग एडवांटेज देखने को मिल जाएगा, इसमें एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और इसमें जो प्रोसेसर दिया गया है यह भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है अगर सैमसंग का दूसरा फोन से कंपेयर करें तो इसमें अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो Redmi Note 8 Pro फोन से तो इससे कहीं ना कहीं थोड़ा कम रह जाता है, थोड़ा पीछे रह जाता है Samsung Galaxy M30s फोन। तो ये था दोस्तों ये दोनों फोन का कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ जानकारी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी कंफ्यूज दूर हो गया होगा आपका और ये आप लोग समझ चुके होंगे ये दोनों फोन में से कौन सा फोन बेहतर आने वाला है। तो आप लोग दोस्तों कौन सा फोन बेहतर लगा, कौन सा फोन आप परचेस करना चाहोगे, आप लोग मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताना। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाइए और हो सके तो अपना टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो साइड में जो बेल आइकन का उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप लोग को मिलते रहेगा। और हो सके तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी मैं पोस्ट डालते रहता हूं, आप लोग मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहां पे खत्म करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।